नदी किनारे एक गांव बसा हुआ था। फिर एक दिन वहां लोगों की सरकटी लाश मिलने का सिलसिला शुरू हो जाता है। हर रोज कुएं के पास एक सरकटी लाश मिलती। लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि लोगों के सर कौन काट रहा है। फिर एक दिन पूजा को खिड़की से किसी के रोने की आवाज आती है। डर के मारे पूजा की नींद खुल जाती है। वो खिड़की से झांक कर देखती है तो उसे एक चुड़ैल दिखाई देती है। उसने हाथों में बहुत सारे गुब्बारे पकड़े हुए थे। वो सब गुब्बारे हवा में उड़ रहे थे। वो गुब्बारे देखकर पूजा की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि वो गुब्बारे नहीं इंसानों के सर होते हैं। अरे मर गई रे, ये तो वही चुड़ैल है जो लोगों के सर काट कर ले जाती है। अजी जल्दी उठिए, देखिए ये वो चुड़ैल है जो लोगों के सर काट कर अपने साथ ले जा रही है। फिर राजू उठता है और खिड़की से झांक कर देखता है। अरे पूजा, यहाँ तो कोई चुड़ैल नहीं है, ये तुम्हारा बहम होगा। मैं जानता हूँ गांव में सिर काटने की घटना बढ़ती ही जा रही है, इसलिए तुम घबराई हुई हो। चलो अब सो जाओ। अजी नहीं, ये कोई बहम नहीं है। मैंने अपनी आंखों से उस चुड़ैल को देखा था जो लोगों के सिर काट रही है। फिर अगले दिन सुबह होने पर सब गांव वाले उस बरगद के पेड़ के पास इकट्ठा होते हैं। फिर पूजा सबको उस चुड़ैल के बारे में बताती है। फिर सब गांव वाले पूजा के साथ उस जगह पर जाते हैं जहां उसने रात में चुड़ैल को देखा था। वहां पहुंचकर सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वहां पर खून के धब्बे और चुड़ैल के उल्टे पैरों के निशान होते हैं। अरे भाइयों, लगता है पूजा सच कह रही थी। ये उल्टे पैरों के निशान किसी आम इंसान के नहीं, उस चुड़ैल के ही हैं। देखो भाइयों, अब हमें ये तो यकीन हो गया है हमारे गांव पर चुड़ैल का साया है। जब तक हम इस चुड़ैल को खत्म नहीं कर देते, तब तक कोई भी रात में अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। फिर सब गांव वाले अपने अपने घरों को वापस चले जाते हैं। फिर रात होने पर एक शराबी अपने घर के बाहर खटिया डालकर शराब पी रहा होता है। तभी अचानक से किसी की गुर्राने की आवाज आती है। कौन हो भाई, सामने आ जाओ, दोनों साथ में बैठकर पिएंगे। तभी वो चुड़ैल उस शराबी के सामने आ जाती है। अरे ये तो सर काटने वाली चुड़ैल है। ए गधी चुड़ैल, लोगों के सिर गुब्बारों की तरह लेकर कहाँ जा रही है, जान बचाकर भागो। अरे दरवाजा खोल, सर काटने वाली चुड़ैल आ गई, दरवाजा खोल। वो दरवाजा खटखटाता रहता है, लेकिन सीमा गहरी नींद में सो रही। अरे दरवाजा खोलो सीमा, नहीं तो ये चुड़ैल मुझे मार डालेगी। मैं वादा करता हूँ आज के बाद शराब नहीं पीऊंगा। अरे कहाँ भाग रहा है, मेरे पास तो आज तो तुझे कोई नहीं बचा सकता। तभी सीमा की नींद खुलती है और वो दौड़ती हुई दरवाजा खोलने के लिए जाती है। फिर सीमा जैसे ही दरवाजा खोलती है, हरिया फौरन घर के अंदर घुस जाता है और दरवाजा अंदर से बंद कर लेता है। अरे सीमा, दरवाजा क्यों नहीं खोल रही थी, मुझे मरवाना चाहती थी क्या? अजी मुझे माफ कर दीजिए, मैं सो गई थी। फिर वो दोनों खिड़की से झांक कर चुड़ैल को देखने लगते हैं। चुड़ैल वहीं उनके घर के बाहर खड़ी होती है। तभी चुड़ैल की नजर उस शराब की बोतल पर पड़ती है। अरे ये क्या चीज है। फिर चुड़ैल उस शराब की बोतल को उठाती है और सारी शराब पी जाती है। अरे नहीं, ये गधी तो मेरी पूरी शराब की बोतल ही पी गई। अरे वाह, ये तो बहुत बढ़िया थी, मजा आ गया। मुझे कल ऐसे ही एक और बोतल चाहिए, नहीं तो मैं तुम सबको मार डालूंगी। फिर इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। आज तो बच गए, अच्छा हुआ ये चुड़ैल यहाँ से चली गई। अजी मुझे लगता है इस चुड़ैल को भी आपकी तरह शराब पीने की लत लग गई है, अब ये रोज यहाँ आया करेगी। फिर सुबह होने पर हरिया और सीमा सब गांव वालों को इस घटना के बारे में बताते हैं। अगर ऐसी बात है तो आज आने दो उस चुड़ैल को। फिर रात होने पर हरिया अपने घर के बाहर मेज पर एक शराब की बोतल रख कर घर के अंदर भाग जाता है। और सब गांव वाले अपनी अपनी खिड़कियों से झांक रहे थे और उस चुड़ैल के आने का इंतजार कर रहे थे। फिर थोड़ी देर के बाद चुड़ैल के घुर्राने की आवाज आती है। अरे प्रीतम, घुर्राने की आवाज आ रही है, लगता है वो चुड़ैल आने वाली है। फिर थोड़ी ही देर में चुड़ैल वहां पहुंच जाती है। उस शराब की बोतल को देखकर चुड़ैल खुश हो जाती है।
अरे वाह, ये गांव वाला तो अपने वादे का पक्का निकला। चलो अब आराम से पीऊंगी। तभी वो चुड़ैल बोतल उठाती है और एक ही सांस में पूरी बोतल पी जाती है। अरे नहीं, कल तो इसका स्वाद बहुत अच्छा था। तभी वो बोतल पीते ही चुड़ैल का शरीर अंदर से जलने लगता है, उसके कान और नाक से आग निकलने लगती है। अरे नहीं, ये मुझे क्या हो रहा है? ऐ गांव वाले, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ये तूने मुझे क्या पिला दिया? फिर उसे चुड़ैल को तड़पता हुआ देख सब गांव वाले अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। तूने ये क्या पिलाया है मुझे? गधी चुड़ैल, इस बोतल में कोई शराब नहीं थी बल्कि खतरनाक तेजाब था। अरे नहीं, ये मैंने क्या पी लिया? फिर थोड़ी ही देर में वो चुड़ैल जलकर राख हो जाती है। अजी, अब आप भी शराब पीना छोड़ दीजिए। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए थी और हमें कभी भी शराब नहीं पीना चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑन कर लीजिए।